आपकी मम्मा पीछे ओके चौकते चौकते पूरा तो जो वो बोले बस वही और कभी घूमने ही नहीं और जगह काम हो रहा है क्या काम है रिपीट करिए सबने समझ लिया फिर दोबारा ले बात खत्म ये उंगलियां कहे दो दो रास्ते होंगे एक सही है चलो निकाल के दिखाओ 700 रुपया चलिए बाहर निकालने के बजाय चैलेंज देकर जा रहा है बंदा ऐसे देखा जाए तो पता नहीं ये लोग क्या करवा रहे हैं अचानक से हम लोग भूल भुलैया में थे और अचानक हम लोग गेम खेलने लगे हैं वापस आ जाइए दोनों बेटे दो टर्न हो गए रास्ते दो एक आप जा रहे थे एक इधर बाकी है जो बाकी वाला है उसको आप गलत समझ रहे थे जो सही समझ रहे थे वो गलत किसी के नाम भूल भुलैया आइए कैमरा मैन फोकस करो अब ये भूल भुलैया है अब फंसे हैं लोग बाहर निकल जाइए बाहर मिलते हैं बॉली कोई के लिए ऊपर उठेंगे आप समझ रहे गलत है वो सही है यहाँ नीचे उतरोगे आप वो आगे है मेरे पैर लगे हैं सात सौ छियासी अभी तो बाहर आ गए लोग उतना खास मजा नहीं आया जाने के टाइम पे ठीक था ओके आने के टाइम पे दो राउंड दो बार टर्न लिए बस बाहर आ गए लोग और अभी एक और जगह जा रहे हैं दूसरे वाले भूलभुलैया में और अब ये वाला जो भूलभुलैया है छोटा वाला या दूसरा वाला जो भी आप बोले अब इधर जा रहे हैं जैसे आज के टाइम पे क्लर्कफोर्ट हुआ थी वैसे 240 साल पहले आती थी यहाँ पे कैमरे इसलिए बनाए गए थे यहाँ पे खजाने का नक्शा खजाने की चाबी हुआ करती थी आपको जब हम अंदर जाएंगे 60 फीट नीचे से 60 फीट ऊपर एंट्रेंस ही क्लर्कफोर्ट हुआ जहाँ पे सामने लोग खड़े हैं गेट को पहचान लिए उन्होंने इसी बॉली से पूछकर अपनी जान ले ली इसलिए दे दी क्योंकि हमें लोग खजाने का रक्षा और चाबी ना देना पड़े क्योंकि पहले लोग बहुत खजाना हुआ करते थे आज भी यहाँ पे खजाने का रक्षा और चाबी संग ही दफन है अगर आपको पूछना था नीचे नहीं यहाँ पे सरकार ने ढूंढने की कोशिश करी थी तो बिल्डिंग को नुकसान मिल रहा तो उसको छोड़ दिया गया तो हमको ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना अच्छा जाएगा पर हाँ मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन नहीं था जहाँ तक कि छोटे पापा छोटी मम्मी वह छोटी मम्मी बोल रहे हैं मम्मी पापा छोटे पापा तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये जो मेन गेट है इसके अंदर नेचुरल एक कैमरा फिट किया गया है उस ज़माने में कैमरा तो था नहीं ऑब्वियसली पर फिर भी एक पानी का जो शैडो होता है ना लाइक उससे इतनी अच्छी इतनी एचडी क्वालिटी की पिक्चर होती थी जिससे कोई भी गेट लोग अगर नॉर्मल जो गेट कीपर होता है वो दूर से ही देख के पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है तो इसमें युद्ध में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम आई हैं तो वो मेरे सिपाही सलाह उनको पूरा रास्ता मालूम था तो फिर छोटियों में आगे क्या होगी यहाँ की मल्लिका थी मल्लिका अर्जुन हम नवाब थे मल्लिका सरिता हम जज खान वहाँ छोटियों का नाम क्या होगा
उनका नाम था रोहिणी देवी राजा रोहिणी रानी रोमी अली अरे रोमी अली सुनने में अजीब लगा पर अच्छा लगा। और आपका नाम खाली खाली छोटी मम्मी तुम्हारी रोमी अली के नाम से तो फिर मेरे नाम से क्या बनवाया? तुम अभी बच्चा था तुम्हारे लिए एक चीज बनवाया वही बॉर्डर पर तू क्रिकेट खेलता है ना। अब सोचो जमाने में क्रिकेट भी होता था। हाँ ये बात अच्छा खुद थैंक यू। उस समय गुल्ली डंडा होता उसी को क्रिकेट बोलते थे। हाँ सस्ता क्रिकेट एक डंडा लेता था सबको मारता आगे बढ़ो। सो हे गाइस फाइनली 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 अब हम आ चुके हैं लखनऊ के सबसे बड़े बाजार में जो सीमा बाजार बोला जाता है। यहाँ पे सब कुछ ए टू जेड जूते के कलेक्शन भी है यहाँ पर ए टू जेड। तो अभी जो चीज़ के लिए हम आए हैं पहले ही कभी पास कर चुके हैं तो एक से डेढ़ घंटे में हम लोग को जैसे भी यहाँ से निकल जाना है क्योंकि हम लोग अभी ट्रेन पकड़ना है ट्रेन पकड़ने नहीं है एक्चुअली स्टेशन पहुँच के मेरे को सामान लेके मेरे को एयरपोर्ट जाना है उसके बाद जाके पापा मम्मी को ट्रेन पकड़नी है 8:30। तो लेट्स सी कितना मजा आता है आज और क्या क्या करता है। A few moments later. बेचारे छोटे पापा पूरा थक गए। यूहू। So hey guys, finally आ चुके हैं अंदर और like guys literally बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गया था। मेरे 10 केजी के जो हैंड कैरी जो बैग होते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग 7 केजी अलाउ करता है। फिर 10 केजी से हो गए थे मेरी किचार हो गई थी भाई क्या हो रहा है कैसे मैनेज करूँगा। मैम से मैंने बात की मैम ने बोला कि इट्स ओके विल डू समथिंग। तो मैम ने रिकमेंड किया एक एडिशनल कैरी बैग लो उसके बाद जो भी एडिशनल है अंडर 7 केजी का वो रखो बैग के अंदर बाकी जितना है वो दूसरे बैग में डाल दो। वो डाल दिया मैंने और लिटरली जो 100 रुपये मतलब 100 रुपये ही लगे सिर्फ बैग के। उसके बाद मेरा बैग मेरे साथ है ठीक है बैग मेरे साथ है और मेरा बोर्डिंग पास मेरा हाथ है दिखाऊंगा नहीं वरना QR कोड सब दिख जाएगा। बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड थैंक यू पापा। मैं आगे नहीं बढ़ूँगा फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगा फिर मैं तो लव यू पापा। चलिए आइए देखते हैं फिलहाल तो गेट नंबर 5 में मिला है एंट्री मिलने का तो चेक इन करके 11 बजे
और दो साढ़े दो बजे बैंगलोर। फाइनली गाइस बैंगलोर में लैंड हो चुके हैं और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि दीदी को सरप्राइज करना है, क्योंकि आईएएस दीदी को शायद मालूम होगा कि मैं बैंगलोर में लैंड हो चुका हूँ। लेट्स सी, बैग कलेक्ट करते हैं, कैब बुक करते हैं और सीधा पहुँचते हैं दीदी को सरप्राइज करने। कहाँ गया? अच्छा बेटे, तो तू यहाँ पर उल्टा होकर आए। और ले 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 बच्चा। यूहू, तो फाइनली हम लोग अपना सामान वामान लेकर अब चले कैब पकड़ कर सीधा घर। आई गेस दीदी जगी होगी, नहीं सो गई होगी। एनीवेज सरप्राइज देना मेरा काम है, पर यही होता है हमेशा, सरप्राइज देने जाओ और खुद सरप्राइज हो जाओ। वैसे भी अब आदत सी पड़ गई है। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोगल क्रॉस में। तो अब दीदी को सरप्राइज देने की पाली आ चुकी है, तो हो चलिए मिलते हैं अब सीधा रीता। तो फाइनली हम आ चुके हैं रूम के बाहर। तो अभी फिलहाल दीदी एकदम पूरे नींद में है, उसको अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है अभी सरप्राइज। तो देखते हैं अभी उसका क्या रिएक्शन है। कैसे लगे सरप्राइज? 3:28 AM। तो इसी के साथ आज का दिन और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ओह, बहुत मजा आया, थक गया पर फिर भी मजा आ गया। तो गाइस चलिए आज का दिन ये मौज मस्ती के साथ खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारे ऐसे न्यू तरक्ते बढ़ते नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बताइएगा मेरा सफर और मेरा स्ट्रगल, सो कॉल्ड स्ट्रगल, कैसा लगा? You can be my new child. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earth.